ये ऐसा कि ये हमारा आरटीसी यानी रूपा टाउन क्लब की तरफ से आयोजित किया जाता है। ये हमारा जो क्लब है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और वन ऑफ द एक्टिव है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1987 को। देन हमारा जो फाउंडर अभी हमारा ये है एक्स मिनिस्टर सर डी के थोंडोक, उनकी तरफ से किया गया था। तो उनका मेन मोटो ये था कि स्पोर्ट्स के थ्रू से हम लोग हमारे यहाँ पे कम्युनल हारमोनी प्लस हम जितने भी यूथ्स हैं उसको हम एक डायरेक्शन दें सो देट कि वो गलत चीज़ों में ना पड़े, जैसे कि ड्रग्स में। आजकल ड्रग्स का भी मुद्दा है, जैसे हमारा स्टेट का भी पॉलिसी है कि ड्रग्स छोड़ो खेल जोड़ो, खेल से जोड़ो। तो हमारा पहले से मुद्दा वो था। यहाँ पे जैसे कि वेस्ट कमिंग है, वेस्ट कमिंग अपने आप में ऐसा है कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मल्टीपल ट्राइब्स है, तो वैसे मेनली 7 ट्राइब्स है। तो ये 7 ट्राइब्स में आपस में ब्रदरहुड हो, हारमोनी हो, तो इसको हम लोग खेल के जरिए से सबको हम बांधते हैं। तो ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि आपका यहाँ में हमारी तरफ से अलग अलग एक्टिविटीज़ भी किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट वेस्ट कमिंग वो भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद यहाँ पे तरह तरह के सोशल सर्विस इवेंट, ये सब चीज़ हम करते हैं। तो ये फुटबॉल जो हमारे लिए ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है आज के डेट पे। लकीली हम उस मुकाम पे आए हैं कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो वन ऑफ द मैंने हमारा यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट में तो वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट है ही है, प्रॉबली अरुणाचल में भी वन ऑफ द सबसे अच्छा तरह से ऑर्गेनाइज करने वाला ये स्पोर्टिंग इवेंट बना है। आज सर क्या क्या होगा और कौन कौन आएंगे? आज ये आज हमारा सेमीफाइनल मैच है इनफैक्ट। तो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट आएंगे दिरंग के जो हमारे माननीय MLA साहब है श्री फुटपत सिंह जी, वो आएंगे। और साथ ही साथ हमारा जो अपसू के जो रिसेंटली जो अपसू का जो जनरल सेक्रेटरी बना है रितुम ताली जी, वो ऐसे गेस्ट ऑनर आएंगे। सर ये अभी फाइनल कब होगा इसका? इसका फाइनल हम लोग 15 अगस्त को करेंगे। ब्रदरहुड हारमोनी और हमारा कम्युनल हारमोनी और स्पोर्ट्स से जुड़ने के साथ साथ हमारा ये हमारे से मोटो रहता है कि इंडिपेंडेंस के साथ जोड़े। तो जो इंडिपेंडेंस का जज्बा है, जो इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हम चाहते हैं कि इसको धूमधाम से मनाया जाए। तो इसलिए हमने इनका फाइनल इंडिपेंडेंस डे पे रखा है। ओपनिंग सेरेमनी में हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत हेल्प भी किया है। उन्होंने यहाँ पे हमारा स्टेडियम का, जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेडियम अभी है नहीं हमारा, तो उनके लिए हमको वादा भी किया है, वादा करके गया श्री मामानतुंग जी की तरफ से। तो इसी तरह से इनके बड़े बड़े हमारे जितने भी लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से हेल्प मिलता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी हेल्प मिलता है। तो ये अपने आप में हम लोग खुद ही डोनेशन ड्राइव करके इसी तरह से इसको चलाते हैं। मेरा नाम संगीत सिंह थोदोक है, मैं चेयरमैन आरटीसी। वो रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर है और गेस्ट ऑफ ऑनर को देंगे हमारा हेल्थ सेक्रेटरी आरटीसी कर्मधर जी ठोंगडोक। ये हमारा आरटीसी का हेल्थ सेक्रेटरी है कर्मधर जी ठोंगडोक। मोस्ट एडोरेबल एंड यूथ लीडर ऑफ द स्टेट our Krupa Sering, advisor PWD, chairman Krupa Town Club, DK Thongdok, former minister, or आरटीसी के जितने मेंबर्स हैं, ये प्रोग्राम को इतना मेगा इवेंट में मैनेजमेंट करने वाला हर मेंबर को मेरा तरफ से प्रणाम। कोई डिसिप्लिन से पीछे नहीं रहा, तो आज का दिन में स्टेट में भी आपका इवन गवर्नमेंट नौकरी बोलो रिजर्वेशन स्पोर्ट्स को ताकि बहुत एनकरेज मिल रहा है। और साथ ही साथ इस वर्ष आप कहने से क्या होगा कि आपका ह्यूमन ब्रेन का कंसंट्रेशन और ह्यूमन बॉडी एनर्जी का डेवलपमेंट भी होता है, हेल्थ भी रहता है।
तो इसके लिए मैं बार बार रूपा टाउन क्लब के बारे में मैं पहले भी सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक आपसू लीडर होने के नाते मैं आपसू के कुछ इश्यूज के बारे में बोलना चाहूंगा। हम लोग नया टीम इलेक्ट होके आई थिंक 3 महीना हो गया, तो इसे भी और टेकिंग से पहले पंचायत इलेक्शन का जहाजा में नहीं हुआ था उसका डिक्लेरेशन हुआ, तो ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ आपसू विजयनगर को हम लोग होल्ड कराया। एंड अभी आप लोग देख रहा होगा अपना गवर्नमेंट अपना डायनेमिक चीफ मिनिस्टर का मदद के साथ हम लोग पासीघाट का अरुणाचल यूनिवर्सिटी अपना एक यूनिवर्सिटी बनाने का अभी इंडिपेंडेंट इस बार से काउंसिल होने जा रहा है। और आप सब अभी सुनने से पब्लिक ये बोलता है कि आप सु संगमा हजों के नाम लेते रहते हैं, संगमा हजों गोलू का एटीएम है, ये है वो कहता है, बट देन माय डियर पीपल ऑफ द स्टेट यू शुड हैव टू नो ड्यू टू द आपसु अरुणाचल का सांगमा आज तक रिपुजी इससे ताश में बैठा हुआ है। तो आप त्रिपुरा देखिए, गोलू को सिटीजनशिप मिल गया, ऑटोनोमस काउंसिल मिल गया, उसके बाद आप असम देखिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सांगमा है उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया। तो अरुणाचल में सिटीजनशिप नहीं मिलने का कारण मेरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आपसू का मेन योगदान रहा, इस चीज को भी आप लोग भूलना नहीं चाहिए। रूपा टाउन क्लब ठीक है, तुम लोग फॉर्मर मिनिस्टर और आरटीसी के जितने मेंबर्स हैं, ये प्रोग्राम को इतना मेगा इवेंट में मैनेजमेंट करने वाला हर मेंबर को मेरा तरफ से प्रणाम। एंड ऑल द एचओडी ऑफ वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट पार्सल प्रोमोस्ट आज ये फील्ड में पहुंच के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अरुणाचल में आजकल कैपिटल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हुए भी इतना बड़ा इवेंट स्पोर्ट्स इवेंट करने वाला बहुत कम को देखने मिलता है। और ये रूपा के जितने सीनियर्स है आप लोग के माइंड से बहुत बढ़िया रहा, इसे लोकल यूथ को एनकरेज करने के लिए इतना मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आप लोग जो मेहनत किया उसको मैं मेरा दिल से सलूट करता हूं। टुडे स्पोर्ट्स ऑल्सो बिकेम ए पार्ट ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री ऑल्सो। इस बार का कॉमन यूथ वर्ल्ड गेम में इंडिया 61 मेडल लाया, तो भारत देशवासियों ने कितना खुशी जाहिर किया। और आज के दिन में पहले क्या बोलता था कि माँ पिताजी पढ़ो लिखोगे तो ऑफिसर बनोगे बड़ा आदमी बनोगे, तो आज के दिन में वो चीज भी सही है, पर स्पोर्ट्स भी ये डिसिप्लिन भी कभी कोई डिसिप्लिन से पीछे न रहा। तो आज का दिन में स्टेट में भी आपका इवन गवर्नमेंट नौकरी बोलो रिजर्वेशन
स्पोर्ट्स कोटा के लिए बहुत एनकरेज मिल रहा है। इफ देयर यू फील लाइक आई एम डिफ्राइड फ्रॉम माय राइट्स, यू शुड हैव टू इन्फॉर्म द अफसू। अफसू कभी इंडिजीनियस का इस हित में हम लोग कभी पीछे नहीं जाएगा। तो मैं ज्यादा टाइम ले लेकर इसके लिए आई एम वंस अगेन थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ टुडेस इवेंट और आरटीसी को। हमेशा मेरा दुआ रहेगा कि हर साल आरटीसी का मेंबर ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट करने के लिए हेल्थी होके फिट होके अच्छा होके रहिए। तो हम एक स्टूडेंट लीडर होते हुए भी हम जस्ट पानी पीने के लिए थोड़ा बात में मेरा देश प्रेसिडेंट से कलेक्ट कर लेना। थैंक यू। थैंक यू सर। 14 नंबर है, उनका नाम है अंजन बिस्ता, जो अपने देश नेशनल टीम्स में खेल चुके हैं। उसके बाद में 2 मणिपुर के हैं, लिम जिम्बा जो मणिपुर की तरफ से आई लीग खेले हैं। उसके बाद में और एक है दयानंद कालिम फावा, जस्ट नंबर 32 जून दुदन, जर्सी नंबर 10 से राज जेबी।